सीक्रेट्स ऑफ पिरामिड पार्ट टू। दोस्तों पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे और क्यों इजिप्शियंस पिरामिड्स को बनाया गया था। हमने देखा कि कैसे रिलीजियस बिलीव्स उनके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, इतने इम्पोर्टेंट थे कि वो कई सालों तक सिर्फ अपने मरने के बाद की प्लानिंग्स किया करते थे। सुनने में काफी अजीब लगता है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शायद इजिप्शियंस ऐसे वन ऑफ द फर्स्ट कल्चर्स में से थे जो जिंदा रहने से ज्यादा अपने मरने का इंतजार करती थी ताकि हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहा जा सके। कंफ्यूज हो गए ना? वेल, वो इसीलिए क्योंकि आपने हमारी सीक्रेट्स ऑफ पिरामिड की पहली वीडियो नहीं देखी। तुरंत जाइए और उस वीडियो को देखकर आइए। अब मैं आपको बता दूं कि पहले पार्ट में हमने आपको सिर्फ ये बताया था कि पिरामिड्स को क्यों और कैसे बनाया जाता था, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पिरामिड्स के अंदर क्या होता है। अब चलिए, मैं मानता हूं कि पिरामिड्स को टॉम्ब की तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता था ताकि फैरोज की बॉडी को ममीफाई किया जा सके और सेफली रखा जा सके। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इन पिरामिड्स में सीक्रेट चेंबर्स क्यों बनाए गए थे? और अगर हम टॉम्ब्स की ही बात कर रहे हैं तो पिछले सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉम्ब्स के बारे में कैसे ना बात करें। तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। 21 जुलाई 1798 को फ्यूचर फ्रांस एम्परर बोनापार्ते अपनी फ्रेंच आर्मी के साथ द ग्रेट पिरामिड के पास पहुंचा। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर की ओर बुला रहा हो। वह अकेले बिना किसी को साथ लिए द ग्रेट पिरामिड के अंदर गया। कहा जाता है कि बोनापार्ते कुछ घंटों के बाद पिरामिड से बाहर निकल कर आया। उसका चेहरा डरा हुआ सा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अंदर किसी भूत को देख लिया हो। कई लोगों का कहना है कि वो द ग्रेट पिरामिड से बाहर आने के बाद पहले जैसा नहीं रहे थे। यहां तक कि बाहर आने के बाद भी उन्होंने अंदर क्या देखा ये बात किसी को भी नहीं बताई। हालांकि इस स्टोरी को लेकर बहुत से मिथ्स दिए गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस मिथ को बिलीव करते हैं। तो आखिर उसने ऐसा क्या देखा था जिससे वो इतना ज्यादा डर गया था? चलिए जानते हैं। द ग्रेट पिरामिड या द पिरामिड ऑफ खुफू गीजा का सबसे ओल्डेस्ट और टॉलेस्ट पिरामिड है। इसकी ओरिजिनल हाइट करीब 147 मीटर की थी। इसे और इसके साथ के पिरामिड्स खाफरी और मैनकोरे को करीब 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक से बनाया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिरामिड ऑफ गीजा को बाकी पिरामिड्स की ही तरह रॉयल टॉम्ब्स के लिए बनाया जाता था, जहां फैरोज को उनकी डेथ के बाद ममीफाई किया जाता था और एक सार्कोफागस में बंद करके रख दिया जाता था। सार्कोफागस एक स्टोन कॉफिन बॉक्स की तरह हुआ करता था जो स्पेशली किंग्स के लिए बनाया जाता था। यूजुअली पिरामिड के अंदर क्वींस ब्यूरियल साइट्स और टेंपल्स हुआ करते थे जहां डेली ऑफरिंग्स दी जाती थी। मेन किंग या फैरो की फाइनल रेस्टिंग प्लेस सेंटर के एक रूम में होती थी जिसे द किंग्स चेंबर भी कहते हैं। हालांकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में किंग्स चेंबर तो है, लेकिन माना जाता है कि बाकी चेंबर्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाए थे, या फिर अगर हुए भी थे तो उनकी खोज अब तक नहीं हो पाई है। द ग्रेट पिरामिड में बहुत ही अंदर जाने के लिए बहुत ही कम स्पेस है। अंदर घुसने के बाद सबसे पहले आपको द क्वींस चेंबर मिलेगा। क्वींस चेंबर पूरी तरह से ब्यूटीफुली फिनिश्ड ब्लॉक से बनाए गए हैं। क्वींस चेंबर के दीवारों पर कोई भी इजिप्शियन इंस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक तरह का एयर शाफ्ट बनाया गया है। ये बिल्कुल दो होल्स की तरह है जो पिरामिड के बाहर तक जाता है। ये दोनों शाफ्ट क्वींस चेंबर के नॉर्थ और साउथ वॉल पर बनाए गए हैं। साल 1993 में अप आउट 2 नाम का एक रोबोट साउदर्न शाफ्ट के अंदर भेजा गया। इस रोबोट ने देखा कि शाफ्ट के एंड में एक बड़ा सा लाइमस्टोन स्लैब रखा हुआ है जिसके ऊपर दो कॉपर के पीसेस लगे हुए हैं जो बिल्कुल किसी डोर के हैंडल जैसा दिखता है। 2002 में नेशनल ज्योग्राफी के एक रोबोट ने मिनिएचर फाइबर ऑप्टिक कैमरा साउदर्न शाफ्ट में एंटर किया ताकि उस लाइमस्टोन डोर को अच्छे से देखा जा सके। ये डोर करीब 21 सेंटीमीटर तक थिक था और ऐसा लग रहा था जैसे इसने कुछ कवर करके रखा हो। डोर के ऊपर बहुत से क्रैक्स देखे जा सकते थे। इस डिस्कवरी के कुछ समय बाद ही बोस्टोन की एक कंपनी ने नॉर्दर्न शाफ्ट में रोबोट भेजा और इसी तरह का लाइमस्टोन डोर पाया। अच्छी खबर यह है कि साल 2011 में साइंटिस्ट इस डोर को पार करके देख पाए कि अंदर क्या है।
DJD प्रोजेक्ट नाम की इस मिशन ने एक माइक्रो स्नेक कैमरा का यूज किया और साउदर्न सॉफ्ट के पहले डोर को पार कर लिया। रोबोट डोर को पार करके एक स्मॉल चेंबर में पहुंचा जहां रेड पेंट में हायरोग्लाइफ्स मिले। हायरोग्लाइफ्स एंशिएंट इजिप्ट की फॉर्मल राइटिंग सिस्टम थी। माना जाता है कि इसे वहां काम करने वाले वर्कर्स ने बनाया है। अब तक इन पिक्चर्स का कोई मतलब निकल कर नहीं आ पाया था। चैम्बर अंदर से पॉलिश किया हुआ था जो इस बात को इंडिकेट करता है कि उसे किसी रिचुअल या सिंबॉलिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था। क्वींस चैम्बर की बात करें तो वहां से 3 स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट मिले हैं, जिसमें से एक ग्रेनाइट का स्फीयर, एक वुडन स्लेट और एक कॉपर का ऑब्जेक्ट भी है जो कि स्वैलो की टेल की शेप का है। द ग्रेट पिरामिड के टॉप के पास जो रूम है उसे द किंग्स चैम्बर का नाम दिया गया है। किंग्स चैम्बर पूरी तरह से पिंक ग्रेनाइट से बना हुआ है। किंग्स चैम्बर को बहुत ज्यादा प्रेशर में बनाया गया था क्योंकि उसके जस्ट ऊपर करीब 400 टन्स की इमारत का मटेरियल है। ये आर्किटेक्चर की दुनिया का एक बहुत बड़ा फीट है। इस चैम्बर को इस तरह से बनाया गया था कि कोई इसे देख ना पाए। चैम्बर के अंदर रेड ग्रेनाइट का सार्कोफैगस रखा हुआ है जिसका वेट करीब 3.75 टन्स है। एक बात तो साफ है कि सार्कोफैगस को कंस्ट्रक्शन के वक्त ही रखा गया था। सार्कोफैगस का कवर मिसिंग है और इसके साथ ही किंग की मम्मी भी मिसिंग है। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि इस सार्कोफैगस को सिर्फ एक विकल्प के तौर पर बनाया गया था, लेकिन इस बात का कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिला है। ये बात भी क्लियर नहीं है कि किंग्स चैम्बर को ब्यूरियल पर्पस के लिए ही बनाया गया था। एक एंशिएंट लेजेंड क्लेम करते हैं कि किंग खुफू, जिन्होंने द ग्रेट पिरामिड को बनाया था, वो कभी यहाँ दफन हुए ही नहीं थे। कुछ अरब हिस्टोरियंस कहते हैं कि उन्हें एक मम्मी शेप के कॉफिन में रखा गया था और किंग्स चैम्बर में जो कॉफिन मिला है वो मम्मी शेप का तो नहीं है और उसमें किंग की बॉडी भी नहीं है। ये बात भी नोट करनी चाहिए कि हम किंग के ब्यूरी होने के 3000 साल बाद चैम्बर में एंटर कर रहे हैं। चांसेस है कि पहले ही किसी ने चेंबर में एंटर करके किंग की बॉडी चुरा ली हो। प्राचीन इजिप्ट में ग्रेव रॉबर्स बहुत ही कॉमन थे क्योंकि टॉम्स के अंदर कई बार बहुत सारा खजाना भी रखा जाता था। रिसेंटली एक आर्किटेक्ट ने क्लेम किया है कि चेंबर के अंदर मौजूद एक क्रैक कंस्ट्रक्शन के वक्त हुआ था, जिस वजह से एक न्यू ब्यूरियल चेंबर बनाने का प्लान किया गया था जिसे अब तक खोजा नहीं जा सका है। अब अगर हम टॉम्स की बात कर रहे हैं और वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉम के बारे में ना बताए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने तूतन खामन का नाम तो सुना ही होगा। तूतन खामन या किंग तूत एंशिएंट इजिप्ट के फैरो थे जिनका टॉम्ब द वैली ऑफ किंग्स में मिला है। साल 1922 में मिला ये टॉम्ब इतना ज्यादा फेमस इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर की हर चीज बिल्कुल सही सलामत वैसी की वैसी ही पाई गई थी। पहले के जमाने के ग्रेव रॉबर्स में से कोई भी इसे खोज नहीं पाया था। किंग तूत के राज में उनके पावरफुल एडवाइजर्स ने ट्रेडिशनल इजिप्शियन रिलीजन और आर्ट को फिर से रीस्टोर किया जो कि उसके प्रीवियस किंग एखनातेन ने बहुत सालों तक बर्खास्त करके रखा हुआ था। लेकिन सिर्फ यही बात किंग तूत को फेमस नहीं बनाती। जब वो किंग बना था तब वो सिर्फ और सिर्फ 9 साल का था। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 9 साल की उम्र में वो पूरे इजिप्ट का बादशाह बना हुआ था। अपने ट्रस्टिंग एडवाइजर्स के हेल्प से उसने ओल्ड गॉड्स के टेम्पल्स, इमेजेस और प्रिविलेजेस फिर से रिस्टोर किए। किंग तूत सिर्फ 19 साल का था जब उसकी डेथ हो गई थी, इस वजह से उसे द बॉय किंग भी कहा जाता है। स्कैंस ये शो करते हैं कि उसे द मलेरिया पैरासाइट हो गया था जो डीजेनरेटिव बोन डिजीज के साथ मिल गया और उसकी डेथ हो गई। उसे एक छोटे टॉम्ब में दफना दिया गया था और उसकी डेथ के बाद किंग तूत का नाम बहुत सालों तक भुला दिया गया था, यहाँ तक कि उसके टॉम्ब की लोकेशन भी किसी को नहीं पता थी। लेकिन साल 1922 में हार्वर्ड क्रेटर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस टॉम्ब को खोज निकाला। इस टॉम्ब के अंदर किंग की मम्मी 3 कॉफिन्स के अंदर दफन थी। सबसे अंदर की कॉफिन प्योर गोल्ड की थी और आउटर कॉफिन्स पर गोल्ड हैमर किया हुआ था। किंग के हेड पर गोल्डन पोर्ट्रेट मास्क था और बहुत सारी ज्वेलरी के पीसेस और अमुलेट्स मम्मी के ऊपर रखे हुए थे। टॉम्ब के बाकी रूम्स के अंदर भर भर के फर्नीचर, स्टैचू, क्लोथ्स, चैरियट्स, वेपन्स और स्टाफ्स थे। आज किंग तूत का टॉम्ब द ट्रेजर्स ऑफ तूतन खामन के नाम से फेमस है। आज ये सारा ट्रेजर कायरो इजिप्ट के द इजिप्शियन म्यूजियम में रखा हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने जाना कि आखिर पिरामिड्स को बनाने के पीछे का रहस्य क्या था, पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है और दुनिया का सबसे फेमस टॉम्ब कहाँ है।
तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। और क्या आप इजिप्ट और पिरामिड्स के ऊपर और भी वीडियोस चाहते हो? अगर चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।